Good morning, students. So you can see on your screens that today we will start with our next poem, The Last Bargain. तो हनीड्यू है बुक, बहुत ही अच्छी पोइम है. द लास्ट बार्गेन, बार्गेन होता है एक तरह का सौदा, ठीक है. तो बहुत ही अच्छा मैसेज जो है इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो दिया है. सो पहले इसका इंट्रो लेते हैं. अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच द बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. तो बार्गेन कहते हैं सौदा, जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं तो क्या होता है कि आपस में कुछ चीज़ लेते हैं तो उसको बदले पैसे देते हैं, ठीक है. तो एक तरह का एग्रीमेंट है कि जिसमें दोनों जो हैं पार्टीज, दोनों तरफ की पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं. प्रॉमिस हो गया कि एक तरह का हम कहते हैं कि मैं ये करूँगा तो तुम मेरे लिए ये करना. ओके, सो समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. तो कहते हैं कि कुछ कई जो है वो काम की वेट कर रहे हैं कि कोई उसे हायर करे, हायर्ड मतलब कि काम दे. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस. तो वो जो है बार्गेन कर स्टार्ट करता है लेकिन फिर बाद में उसको पता चलता है ये तो बेकार है. ही ट्राइज अगेन बट डजंट लाइक इधर. फिर दोबारा कोशिश करता है फिर उसको पसंद नहीं आता है. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. लेकिन लास्ट बार्गेन में क्या होता है, जब उसको रखा जाता है काम के लिए तो उसमें कोई सौदा नहीं हो पाता है कि किस लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें. तो वो बहुत ही खुश होता है, उससे पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ. व्हाट इज़ द बार्गेन एंड व्हाई इज़ इट द बेस्ट. तो बार्गेन क्या था और क्यों ये सबसे अच्छा था. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. कम एंड हायर मी आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. तो पोएट कहता है कि जब मैं पथरीले रास्ते पर चल रहा था, सड़क पर चल रहा था सुबह, तो मैं बोल रहा था आओ मुझे काम दो, मेरे साथ सौदा करो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. तो कहते कि हाथ में तलवार लिए जो है राजा अपने रथ पर आता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई हायर यू विद माई पावर. तो वो मेरा हाथ पकड़ता है और फिर मेरे को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर से जो है वो हायर करता हूँ, मतलब कि तुम्हें मैं अपनी पावर से जीत दूंगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. तो फिर उसका जो वो, लेकिन बाद में जो है वो कि उसकी जो पावर है वो नॉट फॉर नॉट मतलब कि नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाती है और वो फिर अपने रथ में चला जाता है. बट सॉरी, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विद द शट डोर्स. तो दोपहर की गर्मी के मौसम में सभी लोग जो थे वो अंदर घरों में बंद थे, दरवाजे बंद थे. आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन. तो सड़क पर मैं जो था वो मैं चल रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. तो एक पुराना बूढ़ा आदमी जो है अपना बैग जो है वो सोने से भर कर लेकर आया. ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई हायर यू विद माई मनी. तो वो मेरी तरफ देखता है और फिर कहता है, सोचकर कहता है कि पॉन्डर्ड मतलब कि सोचता है और फिर कहता है मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीदता हूँ. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्नड अवे. तो वो पैसे से मुझे खरीदता जाता है लेकिन मैं फिर चला जाता हूँ. इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर. तो शाम थी और जो गार्डन में झाड़ियाँ थी, हैच मतलब झाड़ियाँ, वो सभी जो थी फूलों से भरी पड़ी थी. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई हायर यू विद अ स्माइल. तो वहाँ पर जो है एक परी जो है वो आती है और वो फिर मेरे को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल के साथ जो है वो मैं अपने पास रखूँगी. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इन टू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क. तो उसकी स्माइल जो है वो फीकी पड़ गई धीरे धीरे और आंसुओं में बदल गई और फिर वो फिर अंधेरे में चली गई. द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली. तो अब जो था सूरज जो था चमक रेत पर तपतपा रहा था, चमक रहा था और समुद्र की लहरें जो थी वेवार्डली मतलब कि विलफुली अपने तरीके से जो थी वो चल रही थी समुद्र में लहरें. अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स. तो
उस समुद्र के किनारे एक बच्चा जो था वो शेल्स के साथ खेल रहा था। ही रेज हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सैड, तो अपना सिर वो ऊपर उठाता है जैसे, और मुझे लगता है कि वो मुझे जानता था। आई हायर यू विद नथिंग, तो बच्चा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने पास रखूँगा। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट वार्गन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और तब से जो है कहते कि वो स्माइल जो है, उसी स्माइल से, बच्चे की एक स्माइल से मैं जो है इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैं उसी के साथ जो है रह गया और एक फ्री आदमी बन गया। मींस कि चाहे हम पावर से, पैसे से, या फिर ब्यूटी से, स्माइल से किसी को खरीदना चाहे, ये नहीं है। तो एक इनोसेंस जो है वो हम दूसरे, एक हमारी इनोसेंस ही जो है वो हमें जो है दूसरों को जीतने में काम ला सकती है। तो एक यही जो है वो एक ट्रू बार्गेन है। ठीक है, तो ये हमारी मेन पोइम थी। इसका जो है हम करेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ इट, देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।